काय काय के बच्चे हैं ये बताओ फिर, सब रेलवे के हैं? जीके आती है क्या तुम्हारे? आती है जीके सभी के, है ना? रेलवे वाले हैं ना, और भी है बिना रेलवे वाले? रेल, अच्छा चलो अच्छा। हाँ तो नमस्कार मेरे साथियों, डीजे सर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में, हमने बात की थी जैन धर्म की, अब आज हम बात करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में, यानी कि हमने क्या अर्थात धार्मिक आंदोलन प्रारंभ किया था, और धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत हमने जैन धर्म की बातें कर ली थी। किसके बारे में बातें कर ली थी? जैन धर्म के बारे में। आज हम जो लेने जा रहे हैं प्यारे दोस्तों, बौद्ध धर्म की बातें कर रहे हैं। किसके बारे में? बौद्ध। किसकी चर्चाएं करने जा रहे हैं? बौद्ध धर्म की। बौद्ध, ध्यान से समझना है पूरे एक एक चीज, ठीक है? चलिए, सबसे पहले जो बौद्ध धर्म है इसका संस्थापक किसको माना जाता है, ये बातें करेंगे। इसको किसके बारे में चर्चाएं करेंगे? बौद्ध धर्म के बारे में चर्चाएं करेंगे। सब तैयार हो? सब तैयार हो ना? ऐसे लग रहा है क्लास में तुम बैठे ही नहीं हो, तुम तो कुछ देखने आए हो, सिनेरियो वगैरह थोड़े। हाँ आगे आ जाओ, आगे आ जाओ थोड़े। चलिए चलेगा भाई, बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं। ये मत समझो तो तुम्हारी क्लास नहीं है, तुम्हारी क्लास ये समझोगे जब भी मजा आए। आ जाओ आगे, आ जाओ थोड़ा सा आगे, आ जाओ, मुझे भी लगे कि भाई मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, है ना? उसको छोड़ दो, सिंहासन पे मत बैठो भाई, सिंहासन वो राजा जी का है, उसको छोड़ दो। चलिए भाई, बौद्ध धर्म की बात करें तो इसका संस्थापक सबसे पहले क्या देखेंगे? संस्थापक, एक एक चीज ध्यान से सुनना। संस्थापक, और संस्थापक किसे कहें कि यहाँ पर संस्थापक माने जाते हैं अपने गौतम बुद्ध। कौन माने जाते हैं? गौतम बुद्ध को माना जाता है। किसको माना जाता है भाई? गौतम बुद्ध को माना जाता है। क्या माना जाता है? इसका संस्थापक माना जाता है। इनकी बात करें तो इनका जन्म, सबसे पहले किसकी बात करें? गौतम बुद्ध के जन्म की बात करें तो जन्म कहाँ होता है इनका, किस प्रकार से होता है? तो जन्म होता है प्यारे दोस्तों 563 ईस्वी में। कब होता? 563 ईसा पूर्व। कब होता है इनका जन्म? 563 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब जानते हो? अर्थात ईसा के जन्म से पहले, जब से अपना ईसवी संवत चला है उससे पहले जो जन्म हुआ है, किसका जन्म? 563, लगभग कितने वर्ष पहले? 563 वर्ष पहले इसका जन्म हो गया था। किसका जन्म हो गया था? गौतम बुद्ध का जन्म हो गया था। और कहाँ हुआ, किस प्रकार से हुआ? इसका जन्म जो हुआ कपिल वस्तु में हुआ। कहाँ हुआ भाई? कपिल वस्तु में हुआ। कहाँ? कपिल वस्तु में। कहाँ हुआ भाई? कपिल वस्तु में। कपिल वस्तु में कौन से स्थान पर हुआ? कपिल वस्तु, कौन से? तराई क्षेत्र। ये नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? कपिल वस्तु में इसका जन्म होता है। कब होता है? 563 ईसा पूर्व में होता है। कहाँ होता है? कपिल वस्तु या लुम्बिनी ग्राम। क्या कहेंगे इसको? लुम्बिनी ग्राम भी कहते हैं। क्या? लुम्बिनी। क्या कहते हैं? लुम्बिनी ग्राम। कहाँ? लुम्बिनी ग्राम, कपिल वस्तु में। कहाँ पड़ता है ये? नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता? नेपाल, नेपाल के तराई क्षेत्र में। कहाँ? नेपाल के तराई क्षेत्र। कहां पर पड़ता भाई? नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता, ठीक है? ये विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको, एक एक चीज आप समझोगे तो ये याद हो जाएगा पूरा का पूरा। अच्छा यही पढ़ोगे कि जाओगे? तो फिर मेरा माहौल क्या खराब किया तुमने। चलो बैठ जाओ, अभी चल जाना, 15 आधे घंटे बाद चल जाना। चलिए बेटा ध्यान से देखिएगा। अरे बैठे रहना, तो अब बैठ जाओ तुम, दो मस्ती से पढ़ो, हिस्ट्री भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, है ना? क्या है कपिल वस्तु के कौन से स्थान पर? लुम्बिनी ग्राम। लुम्बिनी ग्राम कहाँ पड़ता है? तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र कहाँ पड़ता है? कहाँ पर? नेपाल में। ये समझ में आया? अब कहा जाता है इनका जन्म हो जाता है, और जन्म हो जाने के पश्चात प्यारे दोस्तों इनके पिता कौन थे? शुद्धोदन। इनके पिता कौन थे? शुद्धोदन। इनकी माता कौन थी? इनकी माता है, बताओ बताओ बताओ, माता यशोधरा। इनकी पत्नी कौन थी? पिता। देखिएगा, इनके पिता कौन थे? पिता थे इनके शुद्धोदन। बातें नहीं करेंगे, बातें नहीं करेंगे, ध्यान सुनो। शुद्धोदन, एक एक चीज ध्यान हो जाएगी आपको। शुद्धोदन इनके पिता थे ये, और इनकी माता थी महामाया। कौन थी भाई? माता कौन थी? महामाया। सॉरी,
महामाया, क्या थी? महामाया, कौन थी भाई? महामाया इनकी माता थी, ठीक है। और कहा जाता है प्यारे दोस्तों, महामाया इनकी माता थी, और जब ये गर्भवती थी, जब ये गर्भवती थी, क्या थी? गर्भवती थी। अब गर्भवती एक दिन बढ़िया शानदार सी क्या थी? शाम थी, और शाम थी तो कहा जाता है कि ये दोनों पति पत्नी घूमने के लिए निकल जाते, कहाँ पर? जंगल की तो ओर चले जाते, एक नदी के किनारे बढ़िया शानदार वाले पेड़ वेड़ ये बन रहे हैं इधर, और इधर से कहाँ कहाँ चले गए ये घूमने के लिए? चले गए, कहाँ चले गए? इस नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? इस नदी के किनारे। यहाँ पर दोनों मियाँ बीवी आ जाते हैं, कौन आ जाते हैं? और इधर कौन कौन? एक तो शुद्धोदन और एक महामाया, मायावती नहीं कौन? महामाया, मायावती नहीं, ठीक है। महामाया आ जाती है और कहा जाता है पहले दोस्तों, आपको पता है कि इसी दौरान एक कहां से, यहां से बदलों से क्या होती है? अचानक भविष्यवाणी होती है, अर्थात वाणी बदलों से क्या होती है? भविष्यवाणी होती है। और भविष्यवाणी आज होती है कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु एक दिन जब ये जन्म होगा, इसके बाद या तो क्या बनेगा? बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। क्या बनेगा? बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, या फिर बहुत बड़ा राजा बनेगा। तो कहा जाता है कि अब इनके दिमाग में तो वो फिदर बैठगी ना, बैठेगी नहीं बैठेगी? वो चीज दिमाग में बैठगी। और जैसे इसका जन्म होता है, किसका जन्म होता है भाई? किसका जन्म होता है? गौतम बुद्ध का जन्म होता है, जिसका नाम सिद्धार्थ रखते हैं। इसका बचपन का नाम क्या था भाई? सिद्धार्थ का जन्म होता है। किसका जन्म होता है भाई? सिद्धार्थ का जन्म होता है। किसका जन्म होता? इसका बचपन का नाम, ध्यान से देखिएगा, बचपन का नाम, बचपन का नाम। और बचपन का नाम प्यारे दोस्तों सिद्धार्थ, क्या है? सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ है प्यारे दोस्तों। अब कहा जाता है सिद्धार्थ का जन्म हो जाता है, सिद्धार्थ का जन्म हो जाने के पश्चात क्या कंडीशन होती है कि उसके माता के तो वही फितरत बैठी हुई थी कि ये एक दिन सन्यासी बनेगा, दिमाग में वही बैठी हुई थी, वही सोच सोच के 7 दिन तक जिंदा रही। कितने दिन? 7 दिन बाद किसकी मृत्यु होगी? इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। किसकी? महामाया। किसकी मृत्यु हो जाती है? महामाया की मृत्यु हो जाती है प्यारे दोस्तों। किनकी? इनकी माता की मृत्यु हो जाती है 7 दिन, जन्म के 7 दिन बाद। कितने दिन बाद? जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। इनका लालन पालन, क्या? इनका लालन या पालन पोषण, क्या करें? इनका पालन पोषण किसके द्वारा किया जाता है? इनका पालन पोषण जो किया जाता है प्यारे दोस्तों, प्रजापति। किसके द्वारा? प्रजापति गौतमी। किसके द्वारा? प्रजापति गौतमी, जो इनकी बहन थी। किसकी बहन थी ये? या तो इनकी क्या लगी? मौसी। इनकी क्या लगेगी? मौसी लगेगी। तो इसके द्वारा इनका पालन पोषण किया जाता है। किनका? यानी कि सिद्धार्थ का पालन पोषण करने वाली कौन? गौतमी या प्रजापति गौतमी के द्वारा सिद्धार्थ का पालन पोषण किया जाता है, ठीक है। अब सिद्धार्थ बड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है? सिद्धार्थ बड़ा हो जाता है। और बड़ा कितना बड़ा? बड़ा इतना हो जाता है, लगभग 16 साल, कितना? 16 वर्ष की आयु हो जाती है। कितने वर्ष की आयु हो जाती है? 16 वर्ष की आयु हो जाती है। प्यारे दोस्तों, उसके पिता को ये तो पता ही था कि एक दिन ये सन्यासी बनेगा, तो क्या बढ़िया, खूब सारी लड़कियों के बीच में, अब मतलब इस तरीके से रखते, फुल अय्याशियों में जीवन यापन करवाते इसका, प्रारंभ से ही। जिस प्रकार से ठीक है, बार बार में भेज देते उधर, खूब मायके वायके में घूमने उमने, अर्थात फुल अय्याशियों में। और लेकिन इसको राज दरबार से कई सारे राज प्रसादों का निर्माण करवा दिया, उन्हीं में ये रहता, बाहर नहीं निकलने देते, वहां से बाहर नहीं निकलने देते। और कहा जाता है यहीं पर कई प्रकार के जलसे वगैरह, दुनिया भर की चीजें वगैरह वगैरह वगैरह, यहीं पर आनंद का माहौल किसका? अब कहा जाता है कि 16 वर्ष के जैसे ही हुए, इनका विवाह कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? 16 वर्ष की आयु में, कितनी वर्ष की आयु में? अरे 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में क्या कर दिया जाता है प्यारे दोस्तों? इनका विवाह कर दिया जाता है। तो वो चाहते हैं कि इस विवाह से इसका मोह भंग हो जाएगा, सन्यास की तरफ नहीं जाएगा। और प्यारे दोस्तों कहा जाता है 16 वर्ष की आयु में विवाह हो जाता, और वो विवाह हो जाने के पश्चात कहा जाता है कि 12 वर्ष बाद इनको एक पुत्र प्राप्त होता। कौन प्राप्त होता? एक पुत्र की प्राप्ति होती। किसकी प्राप्ति होती? एक पुत्र की 12 वर्ष बाद, जिसका नाम राहुल। किसकी प्राप्ति होती? राहुल। इनका पुत्र था राहुल, इस राहुल की प्राप्ति हो जाती, अर्थात इनके पुत्र के एक प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति हो जाने के पश्चात अब कि मोह माया के जकड़न में फंस गया, खूब पत्नी भी है, सब कुछ है, इधर उधर खूब सारी गर्लफ्रेंड है, ये सारी चीजें मोह माया के चक्कर में फंसा हुआ है। तो अब थोड़ा थोड़ा इसका पिता का भी ध्यान हटने लगता है। क्या लगने हटने लगता है?
ध्यान हटने लगता है कि अब थोड़ा सा कि समझदार भी हो गया, नहीं बनेगा सन्यासी वन्यासी तो अब लक्षण दिखते ही नहीं है किसके, हैं। और यहीं पे घर पे कहा जाता है कि इनके राज दरबार में, कहां पर, इनके राज दरबार के पास एक पीपल का पेड़ हुआ करता था, हैं, पीपल का पेड़ हुआ करता था, वहां पर मन चाहे इसके जब जाए, जब फ्री टाइम पे जाता और वहां पर बैठ कर क्या समाधि लगा लिया करता है, क्या समाधि लगा लिया करता और घंटों तक बैठा बैठा ध्यान लीन रहता। कई बार ऐसा, कई बार घटनाएं ऐसी घटनाएं घटित होती देखी, तो ये बात ये तो मानेगा तो है नहीं। और एक दिन सुबह सुबह ही क्या होता है मेरे दोस्तों, क्या कंडीशन होती है कि घर से निकल देता है ये, कहाँ घर से निकलता है, कहाँ से निकलता है, घर से निकलता है, और घर से निकलने के पश्चात मेरे दोस्तों कहाँ से निकलता, घर से निकलता है ये, इनका घर बढ़िया सा राजप्रासाद सा अच्छा सा बढ़िया ऊंचा सा घर, और घर से निकलता राजमहल था ही सही भाई, शाक्य कुल के ये क्या थे, कहाँ के, शाक्य कुल के राजा थे, शाक्य गण हुआ करता था, उसके राजा थे कौन, शुद्धोधन अर्थात इसके पिता, ठीक है याद रहे ना। अब कहा जाता है कि शाक्य गण के राजा थे, राजा हुआ करते, राजा तो राजा ही है भाई, अब राजा की सभी प्रकार की व्यवस्थाएं अपने ढंग से रहा करती, और इस तरीके से यहाँ से एक दिन क्या ये सिद्धार्थ निकल जाता, कहाँ से निकल जाता, घर से निकल जाता, और घर से निकल जाने के पश्चात प्यारे दोस्तों इस रास्ते में जाता, और इस रास्ते में जाते ही कहा जाता है कि सबसे पहले क्या क्या दृश्य देखता, घर से जैसे ही निकला तो अलग अलग प्रकार के दृश्य देखता, क्या देखता, सबसे पहले देखा क्या देखा भाई, सबसे पहले इसने देखा बीमार व्यक्ति को, किसको देखा, किसको देखा, बीमार व्यक्ति को, एक खाट पे पड़ा हुआ है, खरा रहा है, क्या खरा रहा है, और पास में इसके बच्चे बच्ची बैठे हुए हैं, बीमार व्यक्ति को देखा, और बीमार व्यक्ति को देखते ही कहा जाता है कि पास में ये खांसी वांसी चल रही है ना, और बड़ी खतरनाक कंडीशन, ये खांसी वांसी चल रही है और खतरनाक कंडीशन है ना, ठीक है, खांसी ऐसी चलती है क्या चलिएगा, कौन निकला भाई घर से, आपका सिद्धार्थ, कौन निकला, सिद्धार्थ घर से निकला, सबसे पहले किसको देखा इसने, बीमार व्यक्ति को, किसको देखा, किसको देखा, बीमार व्यक्ति को देखा, किसको देखा भाई, चलिएगा, किसको देखा, बीमार व्यक्ति को ना, बीमार व्यक्ति को देखा, थोड़ा सा आगे बढ़ा, यहां से थोड़ा सा आगे कहां पहुंचा, यहां तक पहुंचा, और यहां तक पहुंचा तो यहां तक पहुंचने के पश्चात क्या होता प्यारे दोस्तों, एक खाट बची हुई है, और इस खाट पर एक बुजुर्ग व्यक्ति लेटा हुआ है, जरा जरा अवस्था जिसे कहते हैं, वृद्धावस्था क्या कहते हैं, जरा अवस्था, जिस पर कौन लेटा हुआ है, एक बुजुर्ग व्यक्ति लेटा हुआ है, और कहा जाता है कि ये विलाप, यहाँ पर इसकी पत्नी खड़ी है, क्या खड़ी हुई, इसकी पत्नी खड़ी हुई है बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे ये है ना, क्या म्याओं की तरह ये छोटे छोटे बच्चे, पापा उठो ना, पापा उठो ना, अभी तक लग रहे हैं, अर्थात ये क्या है, वृद्ध व्यक्ति, क्या देखा, वृद्ध व्यक्ति, दूसरा क्या देखा इसने, वृद्ध व्यक्ति को देखा, पहला देखा इसने बीमार व्यक्ति, दूसरा देखा वृद्ध व्यक्ति, साले ये भी कंडीशन आने वाली है अपनी, कभी कभी तो बीमार पड़ेंगे ही सही, तो क्या सोचा इसने, कभी कभी तो बीमार पड़ेंगे ही सही है ना, और उसके बाद क्या सोचने लगा ये, उसके बाद सोचा इसने कि ये भी कंडीशन आनी है अपनी, ये भी कंडीशन आनी है, और थोड़ा और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के पश्चात क्या मिला इसको, क्या मिला भाई, क्या मिला, राम नाम, क्या मिला, क्या मिला, चार ड्राइवर लगे हुए थे जिस पर, क्या लगे हुए थे, चार ड्राइवर लगे हुए थे ये, ठीक है, और इसको ले जा रहे थे, कहाँ ले जा रहे थे आप जानते हो, ले जाते, अरे ठीक है, कितने ड्राइवर, चार ड्राइवर लगे हुए थे इस पर, ये कंधे पर ले जा रहे थे ना, चार आदमी इसको ले जा रहे थे, अर्थात शैया यानी कि शव देखा इसने, क्या देखा, शव देखा, और उसके साथ में कई सारे उसके परिवारजन वाले क्या कर रहे थे, विलाप कर रहे थे, विलाप करते हुए देखकर कहा जाता है कि ये भी अवस्था नहीं है, अब कहाँ तक आ जाता है ये आपका जो सिद्धार्थ है, यहां तक पहुंच जाता, इसको देखकर और मन विचलित तो होता है इसका, पहले देखा उसने बीमार व्यक्ति, फिर देखा वृद्ध व्यक्ति, फिर जर्जर अवस्था, सॉरी जर्जर अवस्था का वृद्ध व्यक्ति, फिर देखा शव, उसके बाद भाई साहब एक पेड़ है, टनाटन सा पेड़ है, और इस पेड़ के नीचे एक क्या बैठा हुआ है, सन्यासी बैठा हुआ है यहाँ पर समाधि लगा के, और इसके हाथ में कुछ बजाने का है, मदमस्त सन्यासी को देखता है, श्रीमन नारायण 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 ऐसे गा रहा था, मौज मस्ती से किसी प्रकार का एक भी प्रकार की उसके बुखार बिंद पर कोई प्रकार का संशय नहीं, कोई प्रकार का डर नहीं, कोई प्रकार की तृष्णा नहीं, कोई प्रकार की लोभ नहीं, कोई चीज दिखाई नहीं दे रहा कि ये सबसे मस्त व्यक्ति, और अपन भी किसको देखता है, ये इधर जाकर सन्यासी को देखता, इनमें सब में दुख है और दुख आना ही है एक दिन, काहे को परेशान हो भाई,
अपन काहे को परेशान हुए, और जब दुख आना ही है, पहली अवस्था बीमार, दूसरा वृद्ध अवस्था और तीसरा सौ देखा, ये तीनों घटनाएं आनी है। सबसे मस्त व्यक्ति कौन? सन्यासी। ना किसी की चिंता, ना बीवी बच्चों की चिंता, ना मरने वाले की चिंता, ना जीने वालों की चिंता, ना पड़ोसी की चिंता, ना भाई बहन की, किसी की नहीं। कोई छोड़ कर भग जाए तो टेंशन नहीं, कोई आ जाए तो टेंशन नहीं। मदमस्त सन्यासी इधर भजन कर रहा ईश्वर में, कोई टेंशन नहीं, ये वाली कंडीशन है। और सबसे मस्त चीज किसको लगी? इसको कि भाई साहब इधर ही आ जाते हैं पढ़ते, ठीक है। क्या कंडीशन? इनसे गुजरना ही है, दुख जीवन का है। तो इन्होंने कहा कि दुख जीवन का मूल सत्य है। क्या है भाई? पता है कि दुख ही जीवन है, तो दुखों से गुजरना है, तो ये सारी अवस्थाएं होनी है, तो फिर काय को चिंता करनी? ये अवस्थाएं होनी है तो काय को चिंता करनी? हाँ, कि है इतनी सुंदर दिखे, उतनी सुंदर दिखे, पाउडर लगाकर 1 किलो मेकअप चोपड़ कर, किस कोई सा भी चोपड़ लो, फिर भी ये कंडीशन तो आनी है ना, आनी है नहीं आनी। तो उसने सोचा कि भाई ठीक है, घर जाता है। ये क्या करता है? घर जाता, घर जाने के पश्चात कहा जाता है कि वही एक पेड़, उसी पेड़ के नीचे काफी टाइम तक, बहुत देर तक, काफी देर तक कहा जाता है कि आज तो मामला, इसके माता पिता ने देखा इसको। किसको? किसको देखा? और दिन तो की थोड़ी बहुत देर ही बैठता था, आज की काफी टाइम से बैठा हुआ है ये दोनों माता पिता, चिंतित अवस्था में। जब देखते हैं इसको कि काफी टाइम से बैठा हुआ है, आज कुछ मामला ज्यादा ही गड़बड़ लग रहा है, मामला ज्यादा ही गड़बड़ लग रहा है। कहा जाता है कि बुलाओ रे, कहा जाता है कि इनके खूब दारू वारू पिलाए इसको, और कहा जाता है कि वहां से पूरे गांव में से जो वेश्यावर्ती वगैरह इनको सबको, जो वेश्याएं थी उनको बुलाया गया, और उसके बीच में इसको ले जाया गया कि इसका मोह भंग हो जाए। किससे? किससे? सन्यासी से, अर्थात उससे, ठीक है। अब कहा जाता, अब मोह रात में सोया ही सही, सोया ही सही, तो किसके बीच में? उन छोरियों के बीच में, अर्थात उन वेश्याओं के बीच में ये पड़ा हुआ। और जब रात को जब इसको नशा उतरा, नशा उतरा, नशा उतरा ना इसका, जब इसने पाया कि मैं कहाँ, कौन से कचरे में आ गया, अर्ध नग्न स्त्रियां देखता है चारों ओर, और मन व्याकुल हो जाता है इसका, ये कौन सा कचरा है किसान, और टूट जाता है ये अपने आप से। ये उससे भी दुर्भिक्ष अवस्था है कि ये तो, और उससे भी दुर्भिक्ष अवस्था है, ठीक है। और कहा जाता है प्यारे दोस्तों, मध्य रात्रि को यहां से निकलता है, कहां से निकलता है? अपने घर से निकल जाता है, गेट खोलता है, गेट से खोलने के पश्चात निकलता है, और किसको लेता है साथ में? देखिए, देखिएगा, एक एक चीज सुनना है आपको, पूरी चीज याद हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है प्यारे दोस्तों। यहां से कहां से घर से निकलता, और ये राज दरबार से निकलता, अपने घर से कहां से निकलता? घर से निकलता, और घर से निकलने के पश्चात पहले तो एक तो किसको लेता? एक तो घोड़ा, किसको लेता? घोड़ा, और एक इसका सारथी, क्या लेता साथ में? सारथी, ठीक है। इसका नाम था छंदक, क्या था? छंदक, और इसका नाम था कंथक, क्या था? कंथक। इसका छन्ना भी मिलता है, क्या नहीं मिलता है? छन्ना। सारथी का नाम क्या था? ध्यान से सुनना, एक एक चीज आपके लिए उपयोगी है। सारथी होता है घोड़ा को चलाने वाला, कौन? वो रथ चलाने वाला को क्या बोलते हैं? सारथी बोलते हैं ना, उसको लेता, और कहा जाता है ये रथ में राकर सवार हो जाता, इस राह पर चल देता, और राह पर चलने के पश्चात कहा जाता है अनोमा नदी के तट पर, कौन सी नदी के तट पर? अनोमा, इस नदी के तट पर, नदी के तट पर आता, और कहा जाता है सारथी और छन्नक को वापस भेज देता, अब जाओगे तुम, ठीक है। मेरा काम था, मध्य रात्रि को यहां से घर से निकल जाता 29 वर्ष की आयु में। बेटे किसको? कि पत्नी थी यशोधरा, जो थी, कौन थी पत्नी? अपने देखा था ना इधर, देखा क्या? पत्नी नहीं लिखी, पत्नी यशोधरा, इसकी पत्नी यशोधरा, और पुत्र राहुल, राहुल को छोड़कर 29 वर्ष की आयु में, कौन सी? 29 वर्ष की आयु में क्या कर देता है? यह ग्रह त्याग कर देता है प्यार दोस्त, क्या कर देता है? ग्रह त्याग कर देता है, क्या कर देता है? ग्रह त्याग करता है, घर को छोड़ देता है, कौन छोड़ देता है? सिद्धार्थ घर को छोड़ देता है, और घर को छोड़ देने के पश्चात, ठीक है, कहाँ चला जाता है? ये कंथक और इनको साथ में लेकर जाता है, और कहा जाता है ग्रह त्याग, और इस घर को छोड़ने को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण, क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण, क्या कहा जाता है दोस्तों? महाभिनिष्क्रमण,
इस घटना को क्या कहा जा, ग्रह त्याग की घटना को क्या कहा जाता, महाविनिष्क्रमण। याद रखना प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, रेलवे वगैरह में कई बार आ चुका है कि भगवान बुद्ध ने घर त्यागा था या घर छोड़ने, ग्रह त्याग को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, महाविनिष्क्रमण। इस घटना को क्या कहते हैं, महाविनिष्क्रमण। अब कंडीशन क्या, अब घर छोड़ देता, घर छोड़कर चला ही जाता और यहीं से कसाई वस्त्र, कौन से वो सन्यासी वाले वस्त्र होते ना, वो भगवान टाइप के गेरुए कलर के वस्त्र, वो वस्त्र धारण, कौन से वस्त्र धारण कर लेते, कौन से वस्त्र धारण कर लेता, या यहाँ पर वस्त्र कौन से धारण करते, कसाई वस्त्र, कौन से कसाई, कसाई मतलब वो जो गेरुए कलर के वस्त्र होते ना, ठीक है, भगवान टाइप के होते हैं लेकिन वो भगवान से भी अलग होते हैं, वो थोड़ा सा अलग चेंज चेंजेज कलर होता है, तो कहा जाता है वो धारण करके यहाँ से निकल जाता है पैर दोस्तों। इसके बाद कहाँ जाता है, ये सबसे पहले जाता कहाँ पर जाता पैर दोस्तों, सबसे पहले ये जाता कहां पर, राजगृह। कहां जाता, राजगृह में जाता, और राजगृह में कहां पर, राजगृह, और राजगृह में जाकर कहा जाता है यहां से किससे मिलता, आलार कालाम से, किससे, आलार कालाम, आलार कालाम, और आलार कालाम को क्या बनाता, अपना गुरु बनाता। ये किसके प्रणेता, ये सांख्य दर्शन से संबंधित थे, किससे संबंधित रखते थे प्यारे दोस्तों, सांख्य दर्शन, किससे संबंध रखते थे, सांख्य दर्शन से संबंध रखते थे, ये इनके प्रथम गुरु थे, ये क्या थे, फर्स्ट गुरु, कौन से गुरु थे, इसके फर्स्ट गुरु थे, क्या, ये फर्स्ट गुरु माने जाते हैं, गौतम बुद्ध के क्या माने जाते हैं, अभी सिद्धार्थ, ये बुद्ध नहीं हुआ है अभी, अभी तक ये सिद्धार्थ, ये सिद्धार्थ के प्रथम गुरु माने जाते हैं, और उसके पश्चात ये इनसे कहता कि आपसे नहीं हो पाएगा, मुझे जिस जो तलाश है वो आपसे नहीं हो पाएगा, अर्थात जिस चीज की मैं तलाश कर रहा हूं वो आपसे नहीं हो पाएगा, अर्थात जो ज्ञान मैं चाह रहा हूं वो आपके पास नहीं है, अर्थात नहीं दे पा रहे हो, तो इनको भी छोड़ देता है, फिर सॉरी वैशाली जाता है, पहले वैशाली, कहाँ जाता है भाई, वैशाली, सबसे पहले वैशाली, वैशाली में अलारा कालाम से मिलता, फिर जाएगा राजगृह, कहाँ जाता भाई, वैशाली, उसके बाद राजगृह, कहाँ जाता, राजगृह, और राजगृह मिलता किससे, रामपुत्र से, किससे, राम, रामपुत्र, राम, रामपुत्र से मिलता, और रामपुत्र से कहता कि भाई मुझे अपना शिष्य बना लो, रामपुत्र, ये किसको बनाता, ये दूसरे गुरु थे इसके, दूसरे गुरु, सेकंड गुरु कौन थे, रामपुत्र को सेकंड गुरु बनाता, कहां पर जाकर, राजगृह में, यहाँ पर राजगृह में जाकर ये दूसरा गुरु बना लेता, और कहा जाता कि यहाँ पर इनको कौन सा दूसरा गुरु बना लेता, कौन, सिद्धार्थ, ये सिद्धार्थ क्या करता, इसको सिद्धार्थ क्या करता, सिद्धार्थ सेकंड गुरु बनाता, लेकिन यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करता, लेकिन यहाँ पर भी ज्ञान इनको प्राप्त नहीं होता, इनसे भी संतुष्ट नहीं होता कि जो मैं चाह रहा हूं वो आप नहीं दे पा रहे, ऐसा सोचकर यहां से भी चला जाता, और यहां से चला जाने के पश्चात पैर दोस्तों कहां, इसके बाद जाता है ये उरुवेला की घाटी में, कहाँ जाता है, उरुवेला की घाटी में, कौन सी घाटी में, इसके बाद ये पहाड़ियां हैं, बहुत सारी पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों के बीच ये नदी वगैरह निकल रही है, क्या नदी वगैरह निकल रही है, इन नदियों के बीच में ये एक घाटी थी, कौन सी, उरुवेला की घाटी, ये क्या है बीच में, उरुवेला की घाटी, कौन सी, उरुवेला, उरुवेला जाता, और यहाँ पर कौन, सिद्धार्थ, कौन प्यारे दोस्तों, ये सिद्धार्थ, ये सिद्धार्थ है, और इधर से सामने से चार पांच शिष्य और चार पांच व्यक्ति और आ रहे थे, कौन आ रहे थे भाई, चार पांच, पांच व्यक्तियों को देखता है ये आते हुए, किसको देखता है, पांच व्यक्तियों को देखता है, और पांच व्यक्तियों को देखते हुए पांच व्यक्तियों को ये देखता है, किसको देखता है, पांच व्यक्तियों को और सामने से आते हुए देखता है, और इन पांच व्यक्तियों से मिलता है कि भाई तुम किधर, कि हम तो ज्ञान की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, तो मैं भी ज्ञान की तलाश में ही भटक रहा हूं, क्या कहता है, उरुवेला की घाटी में कहा जाता है इस उरुवेला नामक स्थान पर, ये कहता है सिद्धार्थ इन पांचों व्यक्तियों से कि मैं ज्ञान की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूं, मैं ज्ञान की खोज में निकला हूं, और कहीं ना कहीं मुझे ज्ञान मिल जाए, तो कहा जाता है तो चलो तो साथ चलते हैं, और कहा जाता है ये अपने साथ लेकर, इनके साथ मिलकर इस सारे के सारे प्यारे दोस्तों इस स्थान पर आते, एक स्थान पर आकर क्या करते हैं, तपस्या करने लग जाते, कहां पर, एक स्थान पे आकर यहाँ पर बैठ गए सारे के सारे, ठीक है, और यहाँ पर आकर तपस्या कर रहे हैं, एक स्थान पर आकर सारे के सारे तपस्या करने लग जाता है इस उरुवेला की घाटी में, यहाँ पर छाप छे के छे, छे हो गए ना, और यहाँ पर क्या करने लग जाते हैं, तपस्या करने लग जाते हैं इस उरुवेला की घाटी में, और कहा जाता है कितने, 6 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, 6 वर्ष तक तपस्या करते हैं, क्या करते हैं,
6 वर्ष तक, 6 वर्ष तक क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। क्या करते हैं भाई, 6 वर्ष तक तपस्या करते हैं। क्या करते हैं ये, 6 वर्ष तक तपस्या करते हैं। और कहा जाता है कि यहां पर इनकी कंडीशन ये हो गई थी, सिद्धार्थ की कंडीशन, कि ये कांटे की तरह सूख गया था, बिना जल भोजन बिना अन्न एक जगह पर 6 वर्ष तक बैठना। एक दिन बैठ जाए, जान निकल जाती, मम्मी थोड़ी सी लेट हो जाए, मम्मी भोजन देने में लेट हो जाए, कि क्या कर रहे हो आप, चिल्ला के पढ़ते नहीं पढ़ते, जरा सी देर हो जाए, भूख लगी यहाँ तो। यहाँ 6 वर्ष इसकी बात कर रहा हूं मैं, 6 वर्ष तक कहा जाता है ये कांटे की तरह सूख जाता है। लेकिन कहा जाता है प्यारे दोस्तों, एक दिन क्या होता, एक दिन क्या होता प्यारे साथियों, यहां से बेटर, यहां से एक महिला, इसको महिला बना देते हैं ना, ये महिला यहां से आकर कहां जा रही थी, इधर से निकलकर जा रही थी, और इसके हाथ में क्या था, ये कटोरा था, क्या था, कटोरा, और इसमें क्या थी, खीर, क्या थी, खीर, ठीक है। और ये खीर लेकर कहां से, इधर से निकलकर जा रही थी, कहां जा रही थी, इधर से निकलकर जा रही थी, है ना। अब कंडीशन क्या, ये सबसे पहले आगे आगे कौन बैठा था, सिद्धार्थ बैठा हुआ था, उसके नाकों में क्या जाती है, 6 वर्ष से कुछ नहीं खाया, नाकों में दूर से सूंघ लेगी नाके, हैं, खीर की खुशबू आती है, और जब खीर की खुशबू आती है प्यारे दोस्तों, तो इसकी तपस्या भंग हो जाती है। इसकी इस स्त्री के द्वारा कहा जाता है, किसने क्या खिलाई, खीर खिलाई, और ये टूट पड़ता है उसके हाथ से, छीन कर खा जाता है पूरी खीर को, डुब 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 खा फूके, और दूसरों की भी समाधियां भंग हो जाती। इसके खीर खाने के कारण कहा जाता है इन पार्की के 5 की भी समाधि भंग हो जाती है प्यारे दोस्तों। और समाधि भंग हो जाने के बाद क्या कंडीशन होती है, ये इसको गालियां देने लगते हैं, तू पाखंडी है साले, खाने के लिए मर रहा था, और तूने क्या किया कि अपनी तपस्या तोड़ दी। और इसका नाम क्या था भाई, इस लड़की का नाम या इस महिला का नाम क्या था, सुजाता, क्या था, सुजाता। किसने किसके खीर खिलाने के कारण सिद्धार्थ की तपस्या भंग हुई, ऐसा पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। सुजाता स्त्री थी, ये महिला या लड़की थी, इसके कारण, इसको खीर खिलाने के कारण इसकी तपस्या टूट जाती है। किसकी तपस्या टूट जाती है, सिद्धार्थ की तपस्या टूट जाती, और ढंग से खा लेता है तो, और वो बेचारे 5 के 5 वो देखने में रह जाते, तो खा गया साले डमरू की तरह, जल्दी जल्दी खा पी के मस्त। अब कंडीशन क्या, कंडीशन क्या, अब वो गड़िया देने लगे और इसको छोड़कर यहां से चले जाते, सिद्धार्थ को यही छोड़कर ये यहां से निकल जाते प्यारे दोस्तों। और कहा जाता है सिद्धार्थ इसके बाद कहां चला जाता है, इसके बाद जो सिद्धार्थ है वो कहां चला जाता है भाई, सिद्धार्थ यहां से चलता है, और यहां से जाने के बाद एक नदी थी भाई ये, और इस नदी के यहां से एक ये नदी है, और इस नदी के पास ही यहां पर कौन सी क्या, इस नदी के पास ही यहां पर एक पेड़ बना हुआ था। कहां जा रहे हो, आ गए जैसी तुम्हारी इच्छा, चलिए। एक पेड़ बना हुआ था पहले दोस्तों, क्या था, इस पेड़ के नीचे क्या करने लगता है, ये तपस्या करने लगता है, क्या करने लगता है, सिद्धार्थ तपस्या करने लगता है इसके नीचे, इस पेड़ के नीचे। अब पेड़ के नीचे तपस्या करने लगता है, तो तपस्या करते हुए 8 दिन बाद इसे ज्ञान प्राप्त होता है। कितने दिन बाद, कितने दिन बाद भाई, 8 दिन बाद इस पेड़ के नीचे, कौन सा ये पेड़ था, पीपल का, कौन सा पेड़ था ये कौन सा पेड़ था, पीपल का, कौन सा पेड़ था, पीपल का पेड़ था। और कौन से स्थान पर, गया, कहां पर प्यारे दोस्तों, गया नामक स्थान, कहां पर, गया नामक स्थान पर इसने क्या की थी तपस्या। और कहा जाता है 8 दिन बाद, कितने दिन बाद, 8 दिन बाद इसे क्या हो जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है प्यारे दोस्तों, इसे ज्ञान प्राप्त होता है 8 दिन बाद। और 8 दिन बाद जिस तरह ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये स्थान क्या कहलाया, बोध गया। ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये स्थान क्या कहलाया, बोध गया, क्या कहलाया, बोध गया। ये वृक्ष क्या कहलाया, बोधि वृक्ष, क्या कहलाया, बोधि वृक्ष, क्या कहलाया, बोधि वृक्ष, क्या कहलाया भाई, बोधि वृक्ष। कोई किसका है ये पेड़, पीपल का, किसका पेड़ है, पीपल का, ये ध्यान रखना है।
ये क्या कहलाया? बोधि वृक्ष कहलाया, याद रखना। ये स्थान तो क्या कहलाया? बोध गया। और ये कहा जाता है प्यारे दोस्तों कि इसे निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे या फल्गु नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? ये नदी है, कौन सी नदी? निरंजना, निरंजना या इसी का नाम मिलता है फल्गु, फल्गु नदी या पुनपुन नदी जिसे कहते हैं, इसके किनारे 6 वर्ष की तपस्या, कितने वर्ष की होगी टोटल तपस्या? 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की तपस्या के बाद? 6 वर्ष की तपस्या के बाद, कितनी वर्ष की तपस्या? 6 वर्ष की तपस्या के बाद इसे क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। क्या होता है भाई? ज्ञान प्राप्त होता है। किसको? सिद्धार्थ को। और इसके बाद से सिद्धार्थ क्या कहलाएगा? बुद्ध। क्या कहलाया? बुद्ध। क्या कहलाया? बुद्ध का नाम क्या पड़ गया उस दिन से? क्या कहलाया? बुद्ध। और क्या कहलाया? गौतम बुद्ध। क्या कहलाया? ये गौतम बुद्ध। गौतम इनका गोत्र हुआ करता था, इस कारण इसको क्या कहा गया? गौतम बुद्ध का। क्या कहा गया भाई? गौतम बुद्ध कहा गया। और इसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ प्यारे दोस्तों, ठीक है, ज्ञान प्राप्त किसे हुआ? बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर कब हो जाता है? 35 वर्ष की आयु। कौन कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में, वर्ष की आयु, आयु में ज्ञान प्राप्त होता है इसको। ज्ञान प्राप्त हुआ, क्या हुआ भाई? ज्ञान प्राप्त हुआ 35 वर्ष की आयु। ग्रह त्याग कितने वर्ष की आयु में? ग्रह त्याग कितने वर्ष की आयु में किया था इसने? 29 वर्ष की आयु में, ठीक है। विवाह कितने वर्ष की आयु में? 16 वर्ष की आयु। विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ था? 16 वर्ष की आयु। विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो याद रह जाएगा ये। अब कहा जाता है कि अब सबसे पहले ये सारनाथ जाता है, प्रथम उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ। कहाँ दिए भाई? सारनाथ। यहाँ से कहाँ जाता है ये? सारनाथ। कहाँ जाता है? सारनाथ। कहाँ जाता भाई? सारनाथ जाता। कहाँ जाता है? सारनाथ जाता। और सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए इसने, उनको बुलाया। वो 5 छोड़ के गए थे ना, उनको बुलाया कि मेरे को ज्ञान प्राप्त हो गया कि आ जाओ, है ना। 5 छोड़ के गए थे ना, और 5ों को बुलाया। और उनके साथ एक श्रेष्ठ यानी एक व्यापारी भी था, और उस व्यापारी को मिलाकर कहा जाता है 6 जनों को इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। क्या दिया भाई? प्रथम उपदेश दिए, जिसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता है इसके प्रथम उपदेश को? प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश दिए इनको। एक तो 5 व्यक्ति तो वो थे जो इसको मिले थे, साथ में तपस्या की थी, ठीक है, ठीक है। और एक तो कोडिन ने, क्या नाम था उनका? कोडिन ने वप्पा, कोडिन ने वप्पा, महाकामा, महाकामा, और क्या था, क्या नाम था? महाकामा, चलो जो भी है, ध्यान नहीं आ रहा, अभी बाद में बात करेंगे। 5ों व्यक्तियों को कहा जाता है इसके द्वारा, 3 तो ये प्लस एक व्यापारी जिसका नाम था यश। क्या नाम था? प्लस कौन था? एक व्यापारी था, व्यापारी जिस, या श्रेष्ठ, क्या था भाई? श्रेष्ठ, जिसका नाम था यश। क्या नाम था? यश। कहा जाता है इन 5-6 व्यक्तियों को, टोटल कितने? 6 व्यक्तियों को, 6 व्यक्तियों को क्या देता है ये? प्रथम उपदेश देता है, जिसे क्या कहा जाता है इनको? महा, सॉरी, क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा जाता? धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता इसके प्रथम उपदेश को। क्या कहा जाता पहले दोस्तों? तो इसके ग्रह त्याग की घटना तो क्या कहलाती? महाविनिष्क्रमण। क्या कहलाती? महाविनिष्क्रमण। इसके प्रथम उपदेश महा धर्म चक्र प्रवर्तन, याद रख लेना। तो कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? पुनपुन नदी के किनारे, कौन से? बोध वृक्ष नीचे, या बोधि वृक्ष के नीचे, या पीपल वृक्ष के नीचे, याद रह जाएगा, ठीक है। बाकी कार्य नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, क्या भी, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट और नेक्स्ट जुनून के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।